हमीरपुर जनपद के कुरारा कस्बे के क्षेत्र ग्राम ददरी में आयरन की गोलियां खाने के बाद छात्र की मौत, कई बच्चे हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल में बच्चों को बांटी थी आयरन की गोलियां, वहीं स्कूल में ही गोलियां खाते उल्टी करने लगे थे 8 बच्चे, कई बच्चे रेफर किए गए थे। वहीं बीएसए एसडीएम ने शुरू की जाँच, सीएमओ ने भी बैठाई जाँच। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक विद्यालय में आयरन की गोलियां खाने से आधा दर्जन से अधिक बच्चों की हालत बिगड़ गई। आन और फानों ने बच्चों को अस्पताल भेजा गया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कानपुर भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से गांव में आक्रोश गहरा गया है। घटना की सूचना पाते ही गुरुवार को एसडीएम सीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। वहीं बीएसए ने भी गाँव स्कूल में पहुंचकर पूरे प्रकरण की जाँच शुरू कर दी है। जिले के कुरारा क्षेत्र के ददरी गांव निवासी अमर सिंह का पुत्र कुलदीप 13 वर्ष गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं क्लास में पढ़ता था। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची थी, जहां टीम ने सभी बच्चों को आयरन की गोलियां खाने को दी। स्कूल में ही संदीप आयरन की गोलियां जैसे ही खाई तो वह उल्टी करने लगा। उसे देखकर क्लास में संदीप पुत्र हरिश्चंद, परेश पुत्र रामपाल, ममता पुत्री सूबेदार, आराधना पुत्री अवधेश, तो आपने विद्या दिखाया नहीं कहीं इसको? क्या उम्र थी इसकी? 11 साल थी। नाम क्या था? कुलदीप कुमार। अच्छा अच्छा, रहते कहाँ हैं आप? ददरी। ये घटना ददरी की है जी। किस विद्यालय की? ठीक, कैसे हो, कोई घटना है भाई साहब? ये स्कूल गया था, आयरन गोली दी, तब मतलब उसी से जो कुछ होगा। तो आपने विद्या दिखाया नहीं कहीं इसको? दिखाया, फिर हमें को मैं लेट हो गई। अच्छा अच्छा, क्या उम्र थी इसकी? 11 साल थी। नाम क्या था? कुलदीप कुमार। अच्छा अच्छा, रहते कहाँ हैं आप? ददरी। ये घटना ददरी की है जी। किस विद्यालय की? वो माध्यमिक विद्यालय ददरी। ठीक। अरे इंजेक्शन वेक्शन कर जाते भाई, अरे इंजेक्शन वेक्शन कर जाते भाई, ये चीजें हैं और आप लोगों की गंभीरता ये नजर आ रही है। निवासी ददरी क्या दे रही है भाई साहब? नहीं हम कर रहे क्या करें? हमारा सुबह दूध रोटी खा के स्कूल गया 9 बजे, उसके बाद मास्टर ने आयरन की गोलियां दी, फिर कितनी दी कितनी खाई उसको ये हमको मालूम नहीं है। उसके बाद दाल चावल बना था वो खाया है,
उसके बाद ये 2:30 बजे आया है तो बोला पेट में दर्द हो रहा है तो टेबलेट मंगाया, उसके बाद में ये टेबलेट नहीं खा पाया और ये पलटी और लेटिंग कर दिया। तो इसको हम ले के तुरंत अस्पताल आए, सरकारी अस्पताल मिश्रीपुर से रिफर कर दिया कुरारा में इलाज कराया, कुरारा तो वहाँ ठीक हुआ कुछ, उसके बाद कुरारा से रिफर कर दिया हमीरपुर में इलाज हुआ, उसके बाद कानपुर रिफर कर दिया। कानपुर रिफर होने के बाद एम्बुलेंस में चले तो ये पेट्रोल पम्प जो पुलिस लाइन के बगल में है इधर उसका डेथ हो गया। कितने बच्चों की हालत गंभीर हुई थी और बीमार हुए थे? 3 बच्चे ज़्यादा नॉर्मल हो गए थे और 5-6 बच्चों को पेट दर्द कर रहा था। हुआ कैसे बच्चे के, जो मृतक बच्चा है क्या मामला हुआ पूरा? अध्यापक ने गोली दी है, खिलाई है वहाँ पे, और वो गोली पत्ता दे दिया है तो वो खा गए हैं कि अब ये मालूम नहीं है कि 20 खाई है कि 30 खाई है। तो क्या पर जितनी गोलियां दी हैं क्या पूरी खा ली है उसने बच्चे ने? हाँ, बच्चा पूरा खा गया है। तो टीचर ने तो एक आध गोलियां दी होंगी खाने को? नहीं, पत्ता दिया है, पहले गोली खिलाई है फिर पत्ता दे दिया है। अच्छा। हाँ, कौन से विद्यालय घटना है, किस विद्यालय? 7 की प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल। घटना हुई कैसे हुई है? नंबर